नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी, बड़ी खबर शिवपुरी जिले के बैरार क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जोराई से है। ग्राम जोराई में पहली लाखों रुपए व जेवरात की चोरी का कोई सुराग नहीं लगा। चोरों ने दूसरी चोरी को दिया अंजाम। पुलिस प्रशासन मौन। सूत्रों के अनुसार मिली खास जानकारी में जब से बैरार थाना क्षेत्र में स्मैक की मेहरबानी धड़ल्ले से खुलेआम बरस रही है, जब से चोरियों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्राम चोराई में आज एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने धावा बोला और शीतल प्रसाद धाकड़ की घर के सामने रखी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व पुरुषोत्तम धाकड़ की नींद लगती बिस्तर से मोबाइल के साथ 600 रुपए लेकर अज्ञात चोर हुए फरार। और 3 से 4 बाइकों से पेट्रोल की चोरी। 22 लीटर पेट्रोल लगभग 24 रुपए की बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बैरार थाना क्षेत्र में स्मैक जैसे नशा पत्ते के चलते दिन प्रतिदिन चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इन अज्ञात मधुमाशों को शासन और प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है? चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी चरम ऊंचाई पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है बैरार थाना। पुलिस की आंखों पर पट्टी बंधी और मौन, इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन इन चोरियों में लिप्त तो नहीं है। आखिर पुलिस मौन क्यों है? आगे देखना यह होगा कि शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाकर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। इसी तरह गरीब आम जनता लुटती रहेगी। चोर बेखौफ होकर ताले चटकाते रहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है अपना? ताले फूट क्यों कराई आज? हमारी रात के 1-2 बजे गाड़ी चोरी हो चुकी है चौराहे से। हम यहाँ पे ताले पे रिपोर्ट लगाने आए थे, उन्हें लिख कर धर लिया अभी वो लाने की। अच्छा, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? देख, मुझे ये बोल रहा है कि 3-4 बजे के आस पास हम तुम्हारी जो लाने कर दे। और क्या क्या चोरी हुआ है? और एक और पड़ोसी का वो मोबाइल चोरी में गया है, उसके बाद में पैसे डले हैं। और पहले 15 दिन पहले हुई थी चोरी, इसलिए पुलिस वाले ने उसने कुछ नहीं किया। अभी अब 15 दिन के अंदर फिर हो चुकी है चोरी। चार तारे पहले टूटे, अब दो आवाज है ये चोर घटना, दूसरी घटना है। का मुख्य कारण क्या है? इसमें एक नशेबाजी चल रही है, तब से चोरी 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 चल रही है। हाँ, जैसे हमारी चोरी हो चुकी है रात के 1-2 बजे पर, और कोई हम थाने पे आया तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं करी हमारी बिल्कुल। और यहाँ से कह देते हैं हम कर देंगे कार्रवाई, कार्रवाई के आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सब प्रशासन ढीली है बिल्कुल, पुलिस प्रशासन। हम थाने पे आ जाते हैं और चले जाते हैं, कोई हमसे नौका देता आश्वासन दे देते हैं तो हम आ जाएंगे, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। कारण तो स्मैक को माना जा रहा है क्योंकि बैरार तहसील क्षेत्र में धड़ल्ले से स्मैक का कारोबार हो रहा है। और हर जगह आपको जैसे डाकरवा मंदिर पर, माता रोड पर और मंडी प्रांगण में और तहसील के पीछे वाली गली में भी और पावर हाउस के पास और सुखा के पास स्मैक पीते हुए और बेचते हुए खुलेआम आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई तो की नहीं जा रही, क्योंकि प्रशासन से जब इस विषय बातचीत की जाती है तो प्रशासन में एक ही बात कहते हैं लोग कि हमें बता दो तो कहाँ पर बिक्री हो रही है इसमें की, तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब इस विषय में आप अगर कह रहे हो हमसे कि मुख्य कारण क्या, तो कारण सिर्फ पुलिस की और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर इसमें शंका उठ रही है, क्योंकि आज तक इसमें को लेकर भी कोई भी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। और धड़ल्ले से बैरार थाना क्षेत्र में, गोवर्धन थाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसमें की बिक्री हो रही है, जिसमें गाजीगढ़ से बैरार क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई हो रही है। गाजीगढ़ में स्मैक का कारोबार इतना चरम पर है कि आए दिनांक देख सकते हो आप, कुछ दिनों पहले भी जोराई में चोरी हुई थी, आज ही मोटरसाइकिल और मोबाइल वोबाइल चोरी हुए हैं वहाँ पर, जिसका मुख्य कारण सिर्फ स्मैक को ही माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.